ये जो कि पाम तेल की गाड़ी है, ये जंगल से लोग काट रहे हैं, काट के लेके जा रहे हैं, यहाँ से फिल्टर करेंगे, जैसे से वो पाम तेल निकाला जाता है वो निकालेंगे। एक खास बात बताता मैं, खास बात इस वीडियो में, ये जो मेरा फेस देख रहे हो ना, भले से काला है, दाढ़ियाँ मूंछ हैं, आप लोग पसंद आए नए आए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग सोचते हैं इंडियन है। इंडियन मतलब कि जो हमारे इंडिया की सबसे प्राचीन भाषा है, दो ही आती हैं, नंबर वन संस्कृत, नंबर टू तमिल। जो मेरा फेस है ना साउथ इंडियन जैसा दिखता है, मैं नहीं करता ये, माँ बाप तो कहते हैं कि नहीं अपने यहाँ के, साउथ इंडिया में जाता हूँ तो बोलते हैं तो साउथ इंडियन दिखता है, पंजाब वाले में जाता हूँ तो बोलते पंजाबी है, मुंबई में जाता हूँ तो बोलते मराठी है। तो यहाँ पे जो भी देखते हैं ना, मुझे देखते हैं ना, बोलते हैं यार ये तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, जो जिस भाषा में मिलता है वो अपनी भाषा में, देखिए उतनी भाषा तो आती है, ऐसा नहीं आते हैं। आगे देखो वीडियो में क्या दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है ना पाम तेल की खेती का, अभी ये यहाँ पे वायर लगा दिया गया है, वायर लगा के इसके बाद यहाँ पे जगह 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 लगा दिया गया है। इसका जो एक पेड़ की दूसरे पेड़ की दूरी तकरीबन 5 मीटर, 5 मीटर होगी, ठीक है। ये है पूरे जंगल में, ये थोड़ा सा शायद वर्कर्स रूम है, जो पाम तेल की खेती करते हैं ना उन लोगों का हॉस्टल है ये दिखा हमें, लेकिन यहाँ पे तो कोई बिजली का व्यवस्था नहीं दिख रही यार। यहाँ पे हमें बस दिख रहा है ये सौर ऊर्जा, शायद ये लोग अपना लाइट जो की व्यवस्था इधर से करते हैं, और यही दिख रहा है बस। यहाँ पे छोटा सा गाँव है ना बैक साइड करके, ये है थोड़ा सा गांव, बट एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये लोग रहते कैसे यहाँ पे यार। यहाँ पे बस थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, नहीं लाइट तो दिख रहा है बट आउटसाइड का लाइट जो है लोग सही है, ये लोग ये दिखा, ये पीछे दिखा सौर ऊर्जा, छोटा सा सौर ऊर्जा है, इससे कितना चलता होगा लाइट यार, हाइलोजन लगा हुआ है, 1 घंटे 2 घंटे तक रात के टाइम पे, सर 4 घंटा 5 घंटा चलता होगा इतना ही। साथ में होटे मतलब देख लो भाई, ये जंगल है, ऐसी जंगल में बिता रहे टाइम, बस टाइम मिले अपलोड कर दूंगा वीडियो आप लोगों के लिए, और जिस दिन जंगल से मैं निकलूंगा ना वो भी नहीं अपलोड करूँगा, वो भी मैं अपलोड करूँगा आप लोगों को, वो भी घर से पहुँचने के बाद फिर अपलोड करूँगा ये वीडियो, ठीक है। अब मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क हमें मिल रहा है उस नेटवर्क से हमें पता चल रहा है कि नहीं हम इतना तय कर ले रहे हैं, बस इतना ही। ए यार यहाँ पे जानवर है, गाय लोग हैं, यार कहाँ लगा फंसा दिया गोले, किस जंगल में हमें,
गाइस क्या करें यार, आज निकल पाऊंगा रास्ते से? मुझे आप लोगों का बस दुआएं जरूरी है। मैं तो वीडियो बनाने के टाइम पे बस आप लोगों से बातें कर रहा हूँ वीडियो के, ठीक है, वीडियो के टाइम पे बस आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, लेकिन जब कैमरा क्लोज हो रहा है ना, हमारे ऊपर क्या बीत रही है हमें मालूम पड़ रहा है। रोना आ रहा है इस जंगल के अंदर, ठीक है, ये गूगल की वजह से। जंगल के अंदर ना हमें रोना आ रहा है, क्या करें, आखिर हम लोग कैसे निकले इस जंगली इलाका से, ये रास्ता से कैसे निकले, रोने के लिए आ रहे हैं। 20 मिनट 25 मिनट वेट कर रहे हैं, 10 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर चलते जा रहे हैं, 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 आंसू पोंछ रहे हैं, फिर शुरू कर देते हैं राइड अपना पद यात्रा। अभी आगे कब तक पहुंचेंगे घर पे मालूम नहीं। ये रहा जंगल, देख लो ये जंगल है, पूरे जंगल में भाई इंडियन शेर नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना वीडियो बनाते रहते, बस आप लोगों से ही तो शेयर करने के लिए, अब रूबरू मिलने के लिए तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन क्या करें, चलते जा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो बन तो चुकी है, अभी हमारा आज है तारीख तो मालूम नहीं, भूल गया मैं, 3 दिन 4 दिन की छुट्टी था ऑफिस का, तो हम सोचे चलो अच्छा आज एक्सप्लोर ही करते हैं मलेशिया के अंदर। और भाई आपका एक्सप्लोर करने तो निकला, लेकिन वो नहीं सोचा कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, एक्चुअल में क्या होने वाला आपके साथ में, मेरे साथ में देख लो ना, यही होने वाला है आपका भाई जंगल के अंदर आके बन गया कसाई, चढ़ने के लिए आ गया सूली पे किसी न किसी के। अब बताओ किधर से निकले, इधर से। अभी तक तो थोड़ा सा नेटवर्क मिला है, बस कवर कर लिया है भाई, आपको कवर कर लिया भाई। अभी भी 1 घंटा 18 मिनट 6.3 किलोमीटर्स डायरेक्शन, और हमें पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 6:24 मिनट्स, लेकिन अगर बीच में हम रुकते हैं तो, अगर हम लोग बीच में रुकते हैं तो पक्का बढ़ता जाएगा टाइम, मालूम नहीं कितना तक बढ़ जाएगा भाई। ये लाइफ है, यूट्यूबर बनना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना उनसे पूछो, वो लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, शायद उसी लाइफ के लिए हम भी निकले हैं, उसी लिए कि हम भी बनाएंगे कुछ ऐसा। लेकिन बनने के लिए क्या अकेले तो नहीं होगा ना, इसमें तो आप लोगों का प्यार चाहिए ना, आप लोगों की तो, बिना आप लोगों से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ अकेले तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोगों का काम है गलतियाँ मेरी पकड़ना, जो मैं गलती कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, नहीं भाई आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, इसको सुधारो। मैं वादा करता हूँ कि आपका भाई ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में पक्का सुधार देगा वो गलतियाँ, क्योंकि ये जो चैनल है ना आप लोगों से चलेगा, मेरे वजह से नहीं चलेगा, मेरा बस वीडियो बनाया अपलोड कर दिया है यार, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग नहीं गलती को नहीं सुधारोगे कैसे मैं करूँगा। बोली टर्न लेफ्ट, अभी
चलते हैं। अभी वीडियो कहाँ तक पहुँचे, कहाँ नहीं, कहाँ नहीं, कहाँ नहीं। यह है अपना नाम दिया भैया, अंकल व्हाट्स योर नेम अंकल? रामस्वामी इनका नाम है, रामस्वामी नाम है, बट रामस्वामी सोरम जी का सिनी Kalau awak mau makan apa-apa, mau beli, mau pergi shopping tu? Iya, ini orang bawa. Orang bawa nasi yang manis ke, apa-apa bawa, dia orang besok mari sembahyang. Okey, tahu. Ini hari dada, ini hari kurang. Oh, ini. Hari dada. Okey, kalau kalau kita orang mau keluar highway ke mana? Ini jalan. Dekat je, dekat. Ini jalan ini. सना इतना नंबर ताम मंदिर जो है खोलने के लिए लोग आने वाले हैं ना वो गाइस, अभी कुछ लोग आने वाले हैं ना यहाँ पे, तो पूजा करने के लिए कुछ लोग चाहिए यहाँ पे, तो जस्ट वो लोग अभी उस यहाँ मंदिर जो पुजारी हैं साफ़ सफाई कर रहे हैं वगैरह 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 कर रहे हैं, क्लीन करने के बाद फिर लोग आएंगे यहाँ पे सामान करने। ये शनि देवता शनि महाराज जो है और जो पंडित थे वहाँ रामो स्वामी जी थे करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं पूरे जंगल, यार बात माननी पड़ेगी, पूरे जंगल में इतने बड़ा जंगल के अंदर सिर्फ मंदिर, वो भी अकेला बंदा कैसे रहता है यार, कैसे यार समझ नहीं आता। और यहाँ पे नाग स्वामी, तमिल भाषा में बोलते हैं नाग स्वामी, हम अपनी भाषा में बोलते हैं नाग देवता, मानना पड़ेगा यार, प्रकृति की जो देन होती है ना उनको मानना पड़ेगा कि ये पूरा जंगल के अंदर सिर्फ एक मंदिर, वो भी स्वामी अकेले अकेले पूजा कर रहे हैं इसके अंदर, यार कैसे। वो भी यहाँ पे कितने जानवर हैं, ऊपर वाले की देन है यार, उनके ऊपर सब छोड़ दो, जिस तरह से हम निकले हैं जंगल के अंदर, शायद ये पंडित जी स्वामी जी स्वामी जी जो तमिल भाषा में बोलते हैं स्वामी और अपनी भाषा बोलते हैं पंडित जी, ठीक है सोच लो कैसे रहते हैं यार, उनके ऊपर वो भी भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा करके इतने जंगल के अंदर क्यों रहते हैं, कैसे यार। सलाम है लोगों को यार। पंडित जी ने पुजारी जी हमारे अपनी भाषा में पुजारी पंडित जी और तमिल भाषा में स्वामी जी, जितना भी हमें जानकारी दी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जंगल में अकेले हैं बस इतना ही है, अकेले कहाँ हैं यार, प्रकृति के साथ में है यार, इतनी बड़ी प्रकृति है, भगवान है, राम को भी दिखा दो बस, और ये भी साथ में है भाई, फंसे हुए हैं। उन्होंने भी मुझे रास्ता बताया कि नहीं इस तरह से आप निकलो शायद निकल जाओगे, अब उनके ऊपर हम भी निकले हैं, मंजिल जो है नज़र आ जाएगी। देखो अभी हमें मिला है कुछ एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोल, जब 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो सिखाया जाता था भूगोल के अंदर, कभी निकलना इलेक्ट्रिक पोल देख के, वो आपको अगर इलेक्ट्रिक पोल देख के निकलते हो तो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही रास्ते में आपको आपके मंजिल तक पहुँचाए, अगर मंजिल तक नहीं पहुँचा रहा है तो कहीं तक आपको जरूर पहुँचाएगा वो, ठीक है। गाइस अगर मुझे तो यार पंडित जी पे पुजारी जी पे जो इतने बड़े जंगल में यार कैसे रह रहे हैं, वो भी अकेले यार, अकेले तो नहीं यार, मैं तो मानूंगा यार प्रकृति की देन होती है हर इंसान को, सैल्यूट है ऐसे इंसान को यार जो
अकेले एक मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, अकेले वो भी पूरे जंगल के अंदर। आप तो देख रहे हो वीडियो के अंदर, इतना बड़ा जंगल है, पूरे जंगल में एक अकेला बंदा, वो भी बुढ़ा। कोई अगर ज़ोर से आवाज़ कर दे तो बोलने के लिए शक्ति नहीं रहती उनको। पुजारी जी अकेले इस जंगल में अकेले हैं। थोड़ा सा दुख तो हुआ लेकिन फिर कोई बात नहीं है, चलो लाइफ चल रही है। हम भी हमारा काम था एक नया टॉप, हमें एक नया कुछ सीखने के लिए भी मिला उनसे कि लाइफ कुछ बड़ी छोटी नहीं है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो भी अच्छे के लिए सोच रहे हो, कोई गलत नहीं कोई बुरा नहीं। ठीक है, जहाँ तक हो सके किसी को तकलीफ़ मत देना, क्योंकि मैं यार जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ना, पंडित जी है ना उनके पर बोल रहा हूँ। देखो कितना अच्छा कर्म किया उन्होंने, किया है, कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। अकेले जंगल के अंदर यार बहुत खुशी होती है ऐसे इंसान से मिलके। इसलिए हम एक गांव में पहुँचे हैं, निकलते एक गांव में पहुँचे हैं और इस इलाके में पहुँचे, देखते हैं कहाँ पहुँचे। फाइनली हम एक नया रास्ता चुन लिए हैं और बाहर निकल चुके हैं, और अब इस जंगल को, जो सुनसान जंगल बड़ा सा जंगल था, उसको बाय बाय करने का समय आ गया है। तो अब इस जंगल को हम बाय बाय करते हैं और अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और कमेंट से ही तो हमें हमारी जो दुनिया बनती है कि हमें भी कोई पसंद करने वाला है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।